नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। अगर आपको मलेरिया हो गया है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके क्या लक्षण हैं और आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको मलेरिया हो गया है या नहीं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। घर के आसपास बने गड्ढों, छत पर पड़े टूटे बर्तनों या कूलर आदि में पानी सड़कर उसमें मच्छर अंडे दे देते हैं। इन्हीं अंडों में एक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसी मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये मच्छर शाम के समय एक्टिव होता है। बरसात के मौसम की अपनी खासियतें हैं। बरसात के मौसम का भरपूर मजा ले, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखे, क्योंकि इस मौसम में मलेरिया और वायरल के मामले बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं आप अपने आप को कैसे इससे सुरक्षित रख सकते हैं। मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफ्लीज नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु शरीर में चला जाता है और वह शरीर में कई गुना वृद्धि करता है। यह जीवाणु लीवर और रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करके रोगी को बीमार बना देता है। समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में यह रोग जानलेवा हो सकता है। मलेरिया के लक्षण। तेज बुखार जो ठंड और कपकपी के साथ आता है। सर में तेज दर्द होना व मांसपेशियों में दर्द होना। कमर में दर्द होना। उल्टी आना या उल्टी की इच्छा हमेशा बनी रहना। गंभीर लक्षण। पीलिया होना, पेशाब कम होना, बेहोश होना, दौरे आना, सांस लेने में तकलीफ होना। गंभीर अवस्था में दिमागी मलेरिया हो सकता है। इससे मरीज बेहोश हो जाता है या फिर कोमा में भी जा सकता है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति किडनी, लीवर और लंग्स फेलियर की स्थिति में जा सकता है। गर्भवती महिलाओं में मलेरिया का संक्रमण गर्भपात का कारण भी बन सकता है। सही इलाज न होने पर मलेरिया बार बार हो सकता है, जिसे रिलैप्स मलेरिया भी कहते हैं। रिलैप्स 2 से 6 माह में होता है। मलेरिया के जीवाणु लीवर में जीवित रह सकते हैं। रोग की पहचान, डायग्नोसिस। मलेरिया को डायग्नोस ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है। रोगी के रक्त से स्लाइड बनाकर प्रशिक्षित डॉक्टर माइक्रोस्कोप के द्वारा प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट की जांच करते हैं। आजकल अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा एंटीजन कार टेस्ट से मलेरिया की डायग्नोस कुछ ही मिनटों में की जा सकती है। पूरी तरह से इलाज न करने या लापरवाही बरतने से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। देश में हर साल हजारों लोग मलेरिया के संक्रमण से मर जाते हैं, इसलिए लक्षणों के दिखते ही रोगी को शीघ्र ही डॉक्टर के पास ले जाकर जांच कराएं। जल्दी ही डायग्नोस और इलाज से मलेरिया से होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकता है। मलेरिया में कई तरह की दवाइयों का उपयोग होता है। दोस्तों यहां हम आपको ये भी बता दें कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी भी दवाई का सेवन ना करें। बेहतर है बचाव। मच्छरों को पनपने से रोकें, इसके लिए आप अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए बारिश से पहले ही नालियों की सफाई करवाएं और गड्ढे आदि भरवाएं। अगर जल निकास संभव न हो तो कीटनाशक डालें। बारिश के दिनों में मच्छरों से बचने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें, जैसे पूरी बाजू का कुर्ता और पैजामा आदि। मच्छर भगाने वाली क्रीम और स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। यह काम सरकारी तंत्र के अलावा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ अच्छी तरह से कर सकते हैं। मलेरिया से बचाव का कोई टीका अभी उपलब्ध नहीं है, पर इस पर अनुसंधान जारी है। मलेरिया बहुल इलाकों में जाने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक डॉक्टर की सलाह से मलेरिया से बचाव के लिए कुछ दवाएं ले सकते हैं। कैसा हो मलेरिया में खानपान। मलेरिया रोग होने पर खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मलेरिया में क्या खाएं? चाय, कॉफी व दूध लें। चाय में तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी या अदरक डालकर पिए। मलेरिया के रोगी को सेब खिलाएं, यह मलेरिया में फायदा करता है। पीपल का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर सेवन करने से भी मलेरिया के बुखार में लाभ होता है। दाल चावल की खिचड़ी, दलिया, साबूदाना का सेवन करें। ये पचने में आसान होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। नींबू को काटकर उस पर काली मिर्च का चूर्ण व सेंधा नमक डालकर चूसे। स्वाद ठीक होगा तो फायदा भी पहुंचेगा। मलेरिया बुखार में अमरूद खाने से भी रोगी को लाभ होता है। तुलसी के पत्ते व काली मिर्च को पानी में उबालकर छानकर पिए। मलेरिया में क्या ना खाए। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए।
ना ही ठंडे पानी से नहाए। रोगी को आम, अनार, लीची, अनानास, संतरा आदि नहीं खाने चाहिए। ठंडी तासीर के फल व पदार्थ ना खाए। एसी में ज्यादा न रहे और ना ही रात को एसी में सोए। दही, सिकंजी, गाजर, मूली आदि न खाए। ज्यादा मसालेदार खाने को अवॉइड करे। इसके अलावा मलेरिया होने पर कुछ अन्य बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब आप मलेरिया बुखार से पीड़ित हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किन चीज़ों को लेने पर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आमतौर पर मलेरिया के बुखार के समय ताज़ा, बेहतर और हेल्दी खाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। मलेरिया के शुरुआती दिनों में ताज़ा फल देना अच्छा होता है। फलों में आप पपीता, सेब, चीकू इत्यादि दे सकते हैं। दूध से बने उत्पादों को मलेरिया होने के तीसरे दिन से देना चाहिए। इस स्टेज के बाद अगले पड़ाव पर डाइट को बैलेंस करने का समय आ जाता है। रसीले फलों के साथ साथ अंकुरित बीज, अनाज और सब्जियां खानी चाहिए। मलेरिया बुखार से ग्रसित व्यक्ति को अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सादा भोजन लेते हुए हरी पत्तेदार सब्जियां, उबले हुए चावल और आराम से पचने वाली चीजें लेनी चाहिए। सूप आदि भी पीते रहना चाहिए। सुबह सुबह एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आधा नींबू और शहद एक चम्मच घोलकर पीना चाहिए। साथ ही नाश्ते के समय ताजा फल व एक कप दूध में शहद मिलाकर लिया जा सकता है। लंच के समय एक कटोरी उबली हुई सब्जी, छाछ आदि लेना चाहिए। रात के भोजन में एक बाउल ताजा हरी सलाद, अंकुरित बीज वगैरह लेना चाहिए। इसके अलावा मलेरिया के आहार, मलेरिया में फरेज आदि के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव भी है तो वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।